सो कैसे हो आप सब? मुझे आशा है कि आप सब अपने घर पे अपने मम्मी पापा के साथ एंजॉय कर रहे होंगे, है ना? ओके सो तो आज मैं आपके साथ हिंदी में बात कर रही हूँ, इसीलिए आज हमारा कौन सा वाला विषय होगा? हिंदी का। और आज हम हिंदी की अक्षरों की दुनिया के और नए व्यंजन सीखेंगे और अक्षरों की रेलगाड़ी में हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग होना तैयार मेरे साथ आने के लिए? तो जल्दी आइए और मेरे साथ व्यंजनों की रेलगाड़ी में सवार हो जाइए और अपनी अक्षरों की दुनिया के सैर पे निकल चलते हैं। तो जल्दी आइए बच्चों मेरे साथ। तो बच्चों, व्यंजनों की रेलगाड़ी में जो अगला व्यंजन आएगा वो है फ। फ से फल, फ से फल, फ से फन, फ से फन और फ से फसल, फ से फसल, फ से फल। तो फल से जो शुरू होती है वो एक कविता मैं आपको सुनाऊंगी। फ से फल, फल रोज है खाना, फल रोज है खाना, नहीं चलेगा कोई बहाना, नहीं चलेगा कोई बहाना। तो बच्चों, आज हमने फ और फ से शुरू होने वाले नए शब्द और उनके चित्र देखे, जो है फ से फल, फ से फन और फ से फसल। तो चलो फ के बाद का और नया व्यंजन देखते हैं और अपनी व्यंजनों की रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। जो हमारी व्यंजन की रेलगाड़ी की अगली सवारी है व्यंजन ब। ये है ब। ब से बतख, ब से बतख, ब से बरगद, ब से बरगद, ब से बकरी, ब से बकरी। तो बच्चों, चलो मैं आपको बरगद के पेड़ से जुड़ी हुई एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। बरगद के पेड़ से छाया पाए, बरगद के पेड़ से छाया पाए, छाया में बैठकर कहानी सुनाए, छाया में बैठकर कहानी सुनाए। तो हमें बरगद का पेड़ छाया देता है, तो छाया में बैठ के हम अपने बड़ों से नई नई कहानियां सुनेंगे, ठीक है? तो ये है ब और ये है ब से शुरू होने वाले नए शब्द और उनके चित्र। ब से बतख, ब से बरगद और ब से बकरी। अरे बच्चों, अभी हमारी रेलगाड़ी का अगला डिब्बा आने वाला है जिसमें और एक नया व्यंजन है। तो चलो चलो हम अपनी रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, आइए मेरे साथ। तो बच्चों, हमारी व्यंजनों की रेलगाड़ी का अगला डिब्बा कौन सा है? ये है भ। ये है भ। भ से भजन, भ से भजन, भ से भवन, भ से भवन, जिसको आप बिल्डिंग बोलते हो, और भ से बच्ची, भ से बच्ची, जिसमें आप होटल में देखोगे कि उसमें रोटियां बनती है और तंदूरी रोटी भी बनती है, आपको अच्छी लगती है ना? हाँ, तो भ से भजन। अच्छा, तो चलो मैं आपको भ से शुरू होने वाली एक कविता सुनाती हूँ जो भजन के साथ रिलेटेड है, ओके? जिसमें भजन क
का शब्द आता है। तो सुनिए मेरे साथ, भगत दूर दूर से आए, भगत दूर दूर से आए, भवन में बैठकर भजन सुनाए, भवन में बैठकर भजन सुनाए। आहा, तो बच्चों ये है भ, भ से भजन, भ से भवन और भ से भटकी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारी व्यंजनों की रेलगाड़ी को हम आज यहाँ पे विराम देते हैं, लेकिन और भी नए व्यंजन है और हमारी रेलगाड़ी जो है वो बहुत लंबी है और हमें आगे भी जाना है व्यंजनों के साथ। तो हम नए व्यंजन के साथ वापस दूसरी बार मिलेंगे। तब तक के लिए आपकी कश्मीरा मैम को नमस्ते कहिए। बाय।